subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. शर्मा की दुल्हन ब्याह जो आई, संग टू सीटर सोफा ले आई, डिंग 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 डिंग। अरे आपने ये गाना तो सुना ही होगा, ये गाना आजकल सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। ये गाना है शर्माइन के सोफा वाला फेविकोल के एडवर्टीजमेंट का। जी हाँ, फेविकोल ने अपने 7 बरस पूरे होने के मौके पर एक बेहतरीन एडवर्टीजमेंट बनाया है जिसे अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें शर्माइन अपने दहेज में एक ऐसा 2 सीटर सोफा लेकर आती है जो कई वीडियो तक चलता ही रहता है। मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। और शर्माइन का सोफा वाली शर्माइन यानी कि श्रेष्ठा बनर्जी आज हमारे साथ मौजूद है। हेलो श्रेष्ठा, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच आपके चैनल में इन्वाइट करने के लिए। श्रेष्ठा, ये जो एड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और अभी हर जगह छाया हुआ है जी। तो ये आइडिया किसका था? इसके लिरिक्स भी बड़े जबरदस्त है, बहुत डिफरेंट है। तो ये जो आइडिया है इस एड का वो किसका है और ये शूट किस तरीके से हुआ, वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? इसको शूट करने का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन था और हम लोगों ने इसकी शूटिंग धर्मशाला में की थी। तो कुल मिलाकर 3 से 4 दिन का शूट था सारे सीक्वेंसेस को मिलाकर। और जो आप लोग 1950s 59 का देख रहे हैं, हमारे फ्रेम से स्टार्ट करके कलेक्ट टाइम तक का जो फ्रेम है वो सारा धर्मशाला में धनौल्टी में शूट हुआ था। उसमें 2 दिन लग गए, फिर बाकी 1-2 दिन हमें दिल्ली में, हमने बंगालन का सोफ़ा से लेकर बाकी जो सोफे की जर्नी दिखाई वो सब दिल्ली और आसपास में शूट हुई है। और इसके लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका श्रेय जाता है पांडे ब्रदर्स से मशहूर प्रसून पांडे जी को और उनके भाई पीयूष पांडे जी को, जिनका ये मतलब आइडिया था बेसिकली। और आपने सुना होगा कि ओगिल्वी एंड मेथर करके एक बहुत फेमस एड एजेंसी है जो शुरुआत से ही फेविकॉल के सारे क्रिएटिव और वायरल कैंपेन्स बनाते आए हैं, तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। और इसमें म्यूज़िक दिया है ध्रुव घाणेकर जी ने और इसमें इसको गाया है दिव्य कुमार ने, जो कि बहुत फेमस फोक और मतलब बॉलीवुड में भी उनका काफ़ी नाम रहा है। और इसके कोरस में भी दर्शना मेनन के साथ और भी एक आधे आर्टिस्ट हैं, तो इन सब ने मिलकर इसकी रचना की है। और इस पूरे प्रोडक्शन को संभाला है कॉकोइस फिल्म्स ने, मुंबई में बेस्ड है वो। और इसको ऑफकोर्स शूट करने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि अलग अलग गेटअप्स थे। तो इसका श्रेय जाता है सारा कैपेला जी को जिन्होंने हमारा मेकअप और हमारा गेटअप का ध्यान रखा, और कॉस्ट्यूम्स का हमारी वर्षा चांदनानी जी ने काम किया इसमें। और बहुत ही फनी मोमेंट्स थे, बहुत मज़ा आया। हमने रोड ट्रिप से गए थे हम इसमें और हिमाचल की गोद में हमने इसे शूट किया है। और जो आप लोगों ने लेक देखा है वो लेक है पेंगोंग, नॉट पेंगोंग लेक, सॉरी, इट इज़ दी पोंग व्यू लेक, जहाँ पे ब्यास नदी का सारा पानी ऑफ सीजन में आके जमा होता है। तो पूरे सेट में कितना क्रू मेंबर, कितने लोगों का जो क्रू था वो साथ में चल रहा था? मैम ये तो बहुत ही बड़ा कैंपेन था, तो इसमें तो तकरीबन एक टाइम पे जहाँ तक मैंने झलक देखी थी इसकी, तो मुझे याद है 200 लोग तो होंगे कम से कम। ये शर्माइन का सोफा, मिश्राइन का सोफा और कलेक्ट्राइन और बंगालन का सोफा बड़ा फेमस हो गया है, आखिर ये सोफे की कहानी क्या है? इस सोफे को लेकर एक इंस्पिरेशन मिली थी पांडे ब्रदर्स जी को वहाँ से। जयपुर में एक फेमस है हाउस है पांडे हाउस, वहाँ पे ऐसा एक सोफ़ा था पुश्तैनी। तो जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर गए थे तो वो अपना कुछ सामान भी पीछे छोड़ के गए, तो जब पांडे इसको जब वो सामान मिला, वो सोफ़ा मिला, तो उन्होंने उसको कई बार अलग अलग रूपरेखाओं में उसको तब्दील किया, उसको अलग अलग लोगों को दिया, वो पास ऑन होता गया। वहीं से ये इंस्पिरेशन मिली कि सोफे को इस बार प्रमोट करते हैं। अब अगर आप ऐड के मेकिंग और उसकी यू नो मतलब आर्टिस्टिक ब्यूटी को देखें तो इसका एक ये रहा होगा, जो मुझे लगता है वो ये रहा होगा कि सोफ़ा जो है एक लेगेसी, एक धरोहर को प्रमोट करता है, क्योंकि किसी भी पल वो सोफ़ा जो है शर्मा का सोफ़ा, मिश्रा का सोफ़ा, कलेक्टर का सोफ़ा नहीं बना, वो थ्रू आउट जो है शर्माइन से मिश्राइन, फिर कलेक्ट्राइन, फिर बंगालन का सोफ़ा रहा। तो एक आपने अगर यूट्यूब में कमेंट्स पढ़े होंगे तो लोग इस बात की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ऐड है जो कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे आपके धर्म, समाज, जाति और इन सब चीज़ों के अलावा भी एक अच्छी बात जो सामने आ रहा है वो ये है कि ये फीमेल एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि इसके साथ किसी ना किसी औरत का नाम जुड़ा है। तो एक ये है कि जिस तरह औरतें परिवार को जोड़े रखती हैं, वैसे ही फेविकॉल का सोफ़ा और उसकी उसकी मजबूती भी आने वाले जनरेशन को जोड़े रखे।
ये एक मैसेज क्या है उसका? बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट उन्होंने चुना। तो इसके साथ ही सृष्टि, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो शर्माइन का सोफा वाली शर्माइन बनने तक का सफर कैसा रहा है, उससे पहले के पड़ाव क्या क्या रहे हैं, इसके पहले के प्रोजेक्ट्स या कहाँ कहाँ आपने जो रोल प्ले किया? जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी जो शुरुआत है वो थिएटर से है। तो मैंने खालसा कॉलेज में, उनके बहुत फेमस ड्रामेटिक सोसाइटी है अंकुर, से मैं अपनी शुरुआत की थी। क्लासेस के बाद हमारे मोस्टली टीचर्स जो थे वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के ही थे, जो उसमें ट्रेनिंग दिया करते थे हमें स्टेज, स्ट्रीट, हर तरह के थिएटर में। उसके अलावा कुछ तो हमारे कोर्स में भी थे, घाशीराम कोतवाल और ये सब है ना, फेमस प्लेस थे, इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन हम पढ़ा करते थे। और फिर क्या हुआ कि मास्टर्स में कोर्स ज़्यादा हो गया, तो मैंने फिर थिएटर से कट ऑफ कर लिया खुद को। लेकिन मैंने फिर भी जन नाट्य मंच का साथ नहीं छोड़ा, जो कि एक फेमस स्ट्रीट थिएटर ट्रूप है दिल्ली का। फिर जॉब में आने के बाद फिर से एक गैप आ गया कुछ एक सालों का। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक मुझे अपने पैशन को और प्रमोट करना चाहिए, इस पर मुझे और काम करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाया कुछ दोस्तों को बोलकर, और उन्हीं में से किसी ने फिर मुझे जो है किसी एक फेसबुक पोस्ट पर टैग कर दिया था। वहाँ से मुझे अप्रोच आया नोएडा से ही, एक अपकमिंग चैनल से। उनको न्यू फेसेस चाहिए थे एकदम अपने सीरियल के लिए, एपिसोडिक सीरीज़ के लिए। तो मेरा सिलेक्शन उसमें ऑडिशन के थ्रू हो गया था। उसमें उनको मेरा पहले एपिसोड में काम पसंद आया, फिर उन्होंने मेरे को सेकंड एपिसोड में दे दिया। तो 2 out of 14 में मैं लीड थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ एक छोटे मोटे कैमियोज वगैरह सब मिलते रहे, मैंने किए, मैंने कभी काम को ना नहीं किया। और करते करते फिर मुझे 4-5 महीने बाद, ये तकरीबन नवंबर 2017 की बात है, मैंने मई से शुरुआत की थी, कुछ एक महीने हुए थे, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया कि गोविंदा जी की अगली मूवी की कास्टिंग चल रही है। एंड जैसे कि आप समझते हैं, क्योंकि न्यू कमर्स को बहुत फेक कॉल्स का बड़ा डर रहता है, तो मैंने उस नंबर को इग्नोर किया। लेकिन फिर थर्ड डे मुझे मैसेज आया कि अगर आपको लगता है कि हम फेक कास्टिंग कॉल कर रहे हैं तो आप आके चेक कर लीजिए, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके जाने आने का खर्चा जो भी है वो भी हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो मुझे उनकी कॉन्फिडेंस अच्छी लगी, मुझे लगा ठीक है, सेफ्टी अपने हाथ में है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएँ। तो मैं गई और मुझे आई फाउंड कि वहाँ पे प्रॉपर उनकी टेक्निकल टीम थी, सब कुछ साउंड था, सब कुछ ठीक था, मैं देकर आ गई। 15 दिन के बाद मुझे कॉल आया डायरेक्शन टीम से कि आपको हमने इस कैमियो के लिए, हनी का डायरेक्टर था मेरा फ्राइडे में, गोविंदा जी के साथ आपको हमने चूज़ किया है। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया कुछ महीने बाद एक और कास्टिंग एजेंसी DM स्टार्स से, जिन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था डेली क्राइम के लिए, और उसमें मेरा कैमियो था आदिल जी के साथ, और वो नेटफ्लिक्स पे काफ़ी चली गई, काफ़ी चर्चित रही। उसके बाद करते करते फिर मुझे कांग्रेस के ऐड के लिए कॉल आया, जो कि उस टाइम पे इलेक्शन के कैंपेन में काफ़ी चला भी था, न्याय योजना कैंपेन पे, मैं उसमें फीमेल लीड थी। ऐसा करते करते फिर बस सफ़र चलता गया। मैंने कभी, मतलब मेरा फॉर्मूला ये रहा है कि आप काम करो फिर भूल जाओ कि आपने क्या किया। ये वाला शूट भी हमने किया था तकरीबन 23, जैसे गीता में भी कहा है कि काम करते रहो फल की इच्छा मत करो, सही में। तो 23 मई को, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए पूरे कंट्री में, हम लोग तब बैठ के ये हिमाचल में इसका शूट कर रहे थे। फिर 3 महीने के इंतज़ार के बाद फिर हमने अचानक से, मुझे एक फ्रेंड ने ट्वीट किया कि अमित जी के ट्वीट पे मैंने तुम्हें देखा। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया कि अमित जी ने इस ऐड को ट्वीट किया है पांडे ब्रदर्स को थैंक्स करते हुए। तो मेरे लिए वो एक बहुत टर्निंग फ्लीटिंग मोमेंट था कि अच्छा, मेरा काम फाइनली नोटिस हो रहा है। ये हुई ऐड की बात, और अगर बात की जाए आपकी लाइफ के बारे में, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। मैं दिल्ली बेस्ड एक्टर हूँ, लेकिन मेरा एक ऑल्टरनेटिव बेस BKC में है, जो कि बांद्रा में पड़ता है, और ये बांद्रा ईस्ट में है। लेकिन 90% अधिकांश जो मेरा काम है वो सब कुछ दिल्ली से ही ऑपरेट होता है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्टिंग हाउसेज, जो कि अब फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन हाउसेज के तौर पे भी खुलने लगे हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी, मतलब खास तौर पे वार्तालाप होता रहता है, और प्रोफाइल्स होती हैं एक्टर्स की जो हम, जो ये लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर ऑडिशंस कंडक्ट होते हैं, लुक टेस्ट वगैरह के हिसाब से फिर हमें शॉर्टलिस्ट करके मुंबई भेजा जाता है। फिर जिसका भी काम उनको पसंद आता है उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट से सिलेक्शन होकर फिर हमें जहाँ भी, कहीं भी पैन इंडिया, आउटसाइड, कहीं भी जो भी शूट्स होते हैं वैसे कर लेते हैं। तो ये एक्टिंग करने का शौक आपका बचपन से ही रहा, या बाद में कॉलेज टाइम पर या स्कूल टाइम पर ही डेवलप हुआ है, और कैसे, मतलब या फैमिली में कोई इस तरह के बैकग्राउंड से पहले जुड़ा रहा है? मेरी फैमिली दरअसल टीचर्स की है, मेरी मॉम खुद टीचर है केंद्रीय विद्यालय में पिछले कई सालों से,
और मेरे फादर भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. और एज सच तो सिनेमा को लेकर किसी के अंदर कोई रुझान था नहीं, लेकिन थिएटर को लेकर था, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने बिरला मंदिर के अंदर की कुछ पेंटिंग्स खुद बनाई हैं, वो अभी भी मौजूद हैं वहाँ. और इसके अलावा मेरा थिएटर की तरफ से रुझान बचपन से रहा है, लेकिन मुझे उतना समय नहीं मिला उसको उतना यू नो प्रैक्टिस करने का. लेकिन कॉलेज में आने के बाद जब मैंने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया DU में, तो मुझे कुछ बहुत ही अच्छे मेंटर्स मिले जो कि इसको लेकर बहुत पैशनेट थे, और लगातार इसको लेकर हम बातचीत करते थे, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी. अभी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, वो अभी भी मेरा काम देखते हैं, तो हमें काफ़ी कंग्रेचुलेट वगैरह भी करते रहते हैं. तो इस तरह से हुआ, मैंने जननाट्य मंच के साथ एक साल किया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब वगैरह के चलते सबार्टिकल यानी कि लीव सा ले लिया, तो ये बिल्कुल मेरा कट ऑफ हो गया था इन सब चीज़ों से. उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये एक पैशन है तो इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अभी एज फैक्टर वगैरह भी है, तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. तो मेरा कैमरा में कुल मिलाकर 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक. इसका मतलब एक जो सफर है, तो शर्माइन का सोफा वाली शर्माइन बनने तक के सफर के पहले क्या पड़ाव रहे हैं? क्या इससे पहले भी आपने किसी एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट फिल्म्स या किसी में अभिनय किया है? जी बिल्कुल, इससे पहले आपको ध्यान होगा जब इलेक्शन कैंपेन सर चढ़कर बोल रहे थे, तो कांग्रेस का एक ऐड आया था न्याय योजना कैंपेन का, तो वो उसमें मेरा एक प्रॉपर कैरेक्टर था उसमें, और वो NDTV और आज तक और कई सारे न्यूज़ चैनल्स में और कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स में और डिजिटली भी मतलब काफ़ी वो मतलब सामने आया था, पॉपुलर हुआ था. और उसके अलावा मैंने इसके पहले गोविंदा जी के साथ एक मूवी आई थी उनकी लास्ट ईयर फ्राइडे करके, उसमें मेरा एक कॉमिक कैरेक्टर है उनके साथ, वो किया है. इसके और उसके बाद मैंने और कांग्रेस के कैंपेन के पहले मैंने दिल्ली क्राइम नाम की एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है जिसमें मैंने काम किया है आदिल हुसैन जी के साथ, तो ये दोनों मेरे कैमियोज थे. अब कैमियोज से आपको एकदम से लीड रोल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप जुड़ जाते हैं इंडस्ट्री के टॉप नॉच नेम्स के साथ, तो आपको फिर लोग नोटिस करने लगते हैं. तो जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना और एक अच्छा लीड रोल मिलना एक तरह का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो यहाँ पर दिल्ली में रहकर, जबकि सारी इंडस्ट्री मुंबई में है, तो ये मुंबई से दिल्ली का जो गैप है ये किस तरीके से फिल कर पाती हैं, और कैसे मतलब अगर इस एड की ही बात करें तो कैसे आपको अप्रोच कैसे किया गया? इसका श्रेय जाता है दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी कास्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है द हैंडप्रिंट स्टूडियो. उनके ओनर हैं मिस्टर संजीव मौर्य सर, तो वो उनके पास मेरी प्रोफाइल कुछ समय तक थी, तो इस ऐड के लिए खासकर जब उन्होंने कास्टिंग अपडेट डाली थी फेसबुक पे और बाकी जगहों पे, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि हमें कैरेक्टर फेसेस चाहिए. मतलब कि हमें एक लोगों के मन में एक ये कंसेप्शन भी है कि लीड रोल का मतलब है कि आप कन्वेंशनल ब्यूटी और पैरामीटर्स मैनेज चाहिए, यू शुड बी टॉल फेयर एंड यू नो वो सब जो चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर आप आजकल नेटफ्लिक्स और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अगर फॉलो करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि लीड रोल के लिए एज सच कोई मतलब पैरामीटर्स नहीं है, है ना? तो इसलिए, और क्योंकि फेविकॉल जो है उसकी जड़ें हमेशा भारतीय संस्कृति समाज से जुड़ी हुई हैं, अगर आप उनके पिछले काम को भी देखेंगे, तो इसमें उनको लगा होगा शायद मार्केटिंग टीम को कि ये कैरेक्टर्स जिनको भी शर्माइन मिश्राइन कलेक्टाइन बनाया गया वो सब फिट हैं, तो हम सब इसमें कास्ट हो गए. लेकिन इसके लिए मेरा एक ऑडिशन भी हुआ था, एक सोफे के साथ ही ऑडिशन हुआ था. तो न्यूकमर्स जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का क्या स्कोप है और कैसे चैलेंजेस आते हैं, या कितनी अपॉर्चुनिटीज अब उनके लिए आती हैं, या पहले सब में क्या फ़र्क आ गया है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कुछ जो न्यूकमर्स है उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैम अभी से लेकर अगर कंपेयर करें पिछले कुछ दशकों में, तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आए हैं. जैसे कि पहले एक था कि आपको बॉम्बे रहना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री में सारे प्रोडक्शन हाउसेस से लेकर कॉन्टैक्ट्स आपको जो भी बनाने हैं सब वही बनेंगे. अब क्या है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो जैसे कि आप लोगों का भी न्यूज़ चैनल वगैरह है ना, आप लोग स्टार्टअप के तौर पे भी आप लोग कैसे डिजिटल मीडिया को है ना एक्सप्लोर कर सकते हो. सिमिलरली अब क्या है कि आजकल कास्टिंग एजेंसीज अपने है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खोलती हैं जहाँ आप प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते. पहले क्या था कि बहुत फेक कोऑर्डिनेटर्स और बहुत ऑथेंटिसिटी का एक बहुत बड़ा इशू था, जिस वजह से मध्यवर्तीय लोग और लोअर मिडिल क्लास में लोग दो बार सोचते थे कि इस फील्ड में हम आए तो कैसे आए और क्यों आए, है ना? तो अब वो चीज़ें पहले से अवेयरनेस के चलते अब वो कम हो गई हैं.
और दूसरी चीज़ ये कि एक कहा जाता है कि आप पहले से थिएटर वगैरह से जुड़िए, जिससे कि आप अपने स्किल्स को एक बार है ना चमका सके, उस पर काम कर सके। एक बार आपको स्किल्स आ जाएंगे उसके बाद आपको आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। मेरा मंत्रा शुरू से रहा है कि इट इज़ अ गेम ऑफ 70% पेशेंस एंड 20% योर टैलेंट एंड 10% लक। तो लक को अगर आप नज़रअंदाज भी कर दें तब भी 90% आपके पास बचता है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। नवाजुद्दीन सर हैज़ मेड इट, राधिका आप्ते हैज़ मेड इट, एंड सो मेनी मोर पीपल एज वी नो आर डूइंग रियली वेल। तो अब वो पैरामीटर्स नहीं रहे। एंड दूसरी बात की जस्ट काम करते रहिए, यू नेवर नो कि आपको कब कहाँ पे किसकी नज़र पड़ जाएगी और आप कब यू नो शाइन अप हो जाओगे, तो वो चीज़ होती है। एंड इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अभी ये रोल छोटा है, बड़ा है, कैसा है, क्या है, वो मत देखिए। आप जस्ट देखिए कि प्रोडक्शन हाउस की क्रेडिबिलिटी क्या है और जो आपको काम दिया जा रहा है उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एंड शुरुआत में होता है कि कई लोग चूज ही हो जाते हैं, बट वो भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप बहुत चॉइस पे आएंगे तो यू नेवर नो, हो सकता है आपने आज मना किया, हो सकता है वो किसी और के लिए है ना सोने पे सुहागा साबित हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसके अलावा आपने कहा कि आपके फैमिली में सब लोग टीचिंग प्रोफेशन से ज़्यादा रहे हैं जी, और आप भी एक टीचर हैं, तो उस प्रोफेशन के साथ इसको कैसे लिंक करती हैं और कैसे एज अ प्रोफेशन टीचर बनना क्यों चुना? एक तो ये है कि आप कह सकते हैं कि वो यू नो वो स्किल्स जो फैमिली में चलते आ रहे हैं वही चीज़ चलती हमारे था शुरू से। एंड लिटरेचर की तरफ मेरा रुझान काफ़ी रहा है, मैं खुद मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज। तो टीचिंग का एक फ़ायदा मैम ये होता है कि इट इज़ नॉट अ 9-to-5 जॉब। तो आपको एक्सप्लोर करने का, लोगों से मिलने का, उनको ऑब्जर्व करने का, उनसे सीखने का पुरजोर मौका मिलता है। मैं एक क्लास को जो है जब मेरे सामने बच्चे बैठते हैं तो मैं उनको स्टूडेंट्स या रोल नंबर के तौर पर नहीं देखती हूँ, मैं उनको 50 लोग अगर हैं तो 50 डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह देखती हूँ। तो उससे क्या है कि मुझे रियल लाइफ से काफ़ी कुछ यू नो मतलब एक्सपीरियंस करने का, सीखने का, ऑब्जर्व करने का मिलता है कि अगर कोई मिसबिहेव करने वाला चाइल्ड होगा तो कैसा करेगा, जो अच्छा होगा कैसा करेगा। तो इनके टाइप्स आप स्टडी कर लेते हो, ये भी है, देन स्टाफ मेम्बर्स भी हैं, देन यू मीट सो मेनी मोर पीपल। दूसरी चीज़ कि हमारे स्कूल के आवर्स कुछ फिक्स होते हैं, तो उसके बाद देन आई एम फ्री टू परस्यू यू नो कि हाँ मैं किसी कास्टिंग हाउस विजिट करूँ, कोई ऑडिशंस दूँ, या लिंक बना कर भेजूँ, या रिकॉर्डिंग करूँ, कुछ भी। अच्छा हाँ, मैं आपको ये पहले बताना भूल गई, एक और चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है कि पहले आपको कास्टिंग डायरेक्टर के पास उनके स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती थी, लाइन्स वही के वही होते थे। अब क्या है कि विद द इन्फ्लक्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स, अब वो कह देते हैं कि ये स्क्रिप्ट है और ये रेफरेंस वीडियो है, आप इसी को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। तो मैं अपने घर के कंफर्ट जोन से रहकर उसे रिकॉर्ड करके सेंड कर सकती हूँ, और ऐसा करके मुझे कई प्रोजेक्ट्स इस तरह मिले हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हैं मेरी जो अभी मतलब यूएसए वगैरह में एडिट हो रही हैं। तो अभी उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती बिकॉज आई एम बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है एक्चुअली। अब मैं कहूँ बॉलीवुड ही नहीं, डिजिटल मीडिया बेसिकली बहुत एक्टर फ्रेंडली हो गया है पहले से। तो श्रेष्ठ, अब आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? क्या आप फिल्म इंडस्ट्री का भी ड्रीम लेकर साथ में चल रहे हैं, या आने वाले टाइम में क्या आपने सोचा हुआ है, या किन किन चीज़ों पर काम चल रहा है? यस ऑफ कोर्स, इस एड ने काफ़ी अक्लेम भी दिया है, काफ़ी खुशी भी हुई है लोगों को देखकर, तो काफ़ी लोग अभी अप्रोच भी कर रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस। बट आई वुड अगेन बी रियलिस्टिक कि कुछ भी रातों रात चेंज नहीं होता, आपको तब भी मेहनत करनी पड़ती है, ऑडिशंस तब भी सेंड करने पड़ते हैं। तो ये चल रहा है अभी अपकमिंग कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स में। एक शॉर्ट फिल्म है सेविंग चिंटू करके, जिसमें मैं आदिल जी के अपोजिट मेरा एक किरदार है उसमें, और वो हमने कुछ फेस्टिवल्स में भेजा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। उसकी कहानी की रूपरेखा वगैरह मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं इसमें, और कुछ वेब सीरीज़ भी हैं, एपिसोडिक भी हैं, इन सब में मेरा काम चल रहा है। कुछ टीवी सीरीज के लिए भी मुझे अप्रोच किया गया है। तो कुछ आप फिल्म्स के लिए भी आपका ड्रीम है या उसके लिए भी आप अप्रोच कर रही हैं? जी, जैसे कि मैंने कहा कैमियोज आपको ऑब्वियसली बड़ा प्लेटफॉर्म एकदम से अचानक से नहीं देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कैमियोज आपको नोटिस में ले आते हैं कुछ और लोगों के, तो उससे फिर आपको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आप काम करते रहिए, आप बस उम्मीद मत कीजिए, एंड द मोमेंट यू स्टॉप यू नो काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हेन यू गेट द मोस्ट। सो क्या ऐसा ड्रीम कैरेक्टर है जिसके बारे में आपने सोचा है कि मैं इस तरह का रोल प्ले करना चाहती हूँ जो हमेशा मुझे यादगार बना दे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो ड्रीम कैरेक्टर है?
ये जो ड्रीम कैरेक्टर का बड़ा कंसेप्शन है, इससे मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें समझ नहीं आती. जैसे ये जो कैरेक्टर था सरमाइन का, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐड इतना फेमस हो जाएगा. ऑब्वियसली मुझे माइंड में था कि फेविकॉल के कैंपेन्स बहुत वायरल होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो आई डिड नॉट नो. तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी स्क्रिप्ट एक्टर को इतनी समझ होनी चाहिए कि जब वो किसी स्क्रिप्ट को पढ़े तो उसको वो अपीलिंग लगे. अगर आपको वो अपीलिंग लग रहा है तो ही आप उसे कीजिए, नहीं लग रहा है, आपकी वाइब्स बहुत मैटर करते हैं इंडस्ट्री में. अगर आपको एक प्रोजेक्ट को लेके पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, प्लीज़ गो फॉर इट. नो मैटर उसका बैनर क्या है, नो मैटर उसकी पेमेंट क्या है, नो मैटर कौन है उसके पीछे, आप कीजिए. एंड द मोमेंट यू डू इट यू जस्ट नेवर नो. आपको सेल्फलेस होना पड़ता है अपने काम को लेकर. इसलिए अभी तक तो ऐसा नहीं, बट येस, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर अगर हो जो समाज को एक होप, एक उम्मीद दे, तो वो मैं जरूर करना चाहूँगी. सुश्रेष्ठा, खबर अपडेट की तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें, फिल्मों में काम करें और आने वाले समय में टीवी स्क्रीन पर छाई रहे, यही हमारी आपके लिए दुआ रहेगी. और हम चाहेंगे श्रेष्ठा की जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को शर्माइन का सोफा वाला सुरीला गीत सुना दें. मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं दिव्या कुमार जी जितना अच्छा तो नहीं गा पाऊंगी, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट. शर्मा की दुल्हन जो ब्याह कराई, संग टू सीटर सोफा ले आई, पड़ गयो नाम शर्माइन का सोफा, हाय रे शर्माइन का सोफा. शर्माइन बहन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, पड़ गयो वो मिस राइन का सोफा, हाय रे मिस राइन का सोफा. मिस राइन का लड़का कलेक्टर बने लू, सोफा पे रख जी ने कपड़ा चढ़े लू, मन गयो वो कलेक्ट्राइन का सोफा, हाय रे कलेक्ट्राइन का सोफा. कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमिक चढ़ेली, पड़ गयो वो बंगालन का सोफा, हाय रे बंगालन का सोफा. बारह घरों का ब्याह निपटायो, सोफा साठ का होने को आयो, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी. अब जो ये ब्याह कराए या ना कराए, हाय, पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए.